तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, नई वेब सीरीज आ चुकी है और उसके साथ हम भी आ चुके हैं। तो गाइस, राकेश जो कि मोहन का दोस्त होता है, वो हालांकि राकेश और उसकी सास संजना को पकड़ लेता है। एंड जब वो पता करता है गाइस, एंड वो मोहन के पास जाता है और मोहन से एक डील करता है कि मुझको भी वो सब करना है जो तूने अपनी सास के साथ किया। तभी मोहन पहले तो परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है क्योंकि मैं तुम्हारी, बोलता है कि शादी में विघ्न डालूंगा, मतलब तुम्हारी शादी तोड़ा दूंगा। वो कुमोद को मैसेज करने का, उसको ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है। तभी गाइस जो मोहन होता है वो घर पे आके अपनी सास को उससे बात करता है, तो वो हालांकि मान जाती है क्योंकि वो भी बोलती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। एंड राकेश रात को डिनर पे भी घर पे आ जाता है एंड उन दोनों के बीच में संजना और राकेश के बीच में कुछ नोकझोंक होती है। एंड तभी गाइस अगले दिन मोहन अपना कुमोद को एक फिल्म दिखाने के बहाने ले जाता है। घर पे राकेश आ जाता है एंड इन दोनों के हमें कुछ शॉर्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद गाइस जो मोहन होता है वो उससे, मतलब जो अपनी सास के करीब आने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वो एक अजीब टाइप का बिहेव करती है। तभी उसी दिन जो राकेश होता है, जिसने उसके साथ पहले भी मतलब ये सब किया है, तो गाइस वो भी घर पे आता है, लेकिन वो उसके साथ भी वैसा अजीब सा बिहेव करती है। वो मतलब फ्रेंडली बिहेव नहीं करती, वो थोड़ा सा चिड़ी हुई होती है, ऐसी बिहेव करती है, तो जिससे वो राकेश और मोहन दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही उससे अट्रैक्ट होते हैं। तभी एक दिन राकेश उसे बोलता है कि तुम उसे अकेले में पूछना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी वो संजना से एक दिन बाहर पूछता है, लेकिन संजना उनको एक ऐसी मतलब बात बताती है, वो सब आपको वेब सीरीज़ में देख के पता चलेगा कि क्या उसे बात बताई। वो बहुत एक ऐसी अजीब सी शर्त रखती है जिससे वो पूरा करने में पहले तो वो कतराते हैं, लेकिन वो मोहन होता है वो राकेश को कॉल करता है, वो उसे शर्त बता देता है। तो राकेश तो हालांकि पहले थोड़ा सा बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो मान जाता है, वो अपने हाथ से मौका नहीं गंवाने देना चाहता। तो मोहन भी मान दे जाता है क्योंकि वो ऐसी शर्त होती है गाइस, वो आपको वेब सीरीज में देख के पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमें वेब सीरीज़ का भी एंडिंग सीन देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में जो संजना होती है उसका छोटा दामाद भी वहाँ पे उसे लेने पहुँच जाता है। तो मोहन बोलता है आपकी ट्रेन तो कल थी, लेकिन गाइस घर में जो छोटा दामाद होता है वो पहले ही वहाँ पे आ जाता है। दरअसल उसकी दो बेटियाँ होती हैं, हालांकि उसका भी छोटे दामाद के साथ कुछ सीन होगा या नहीं, हालांकि इस वेब सीरीज़ का एंडिंग सीन हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। तो गाइस वेब सीरीज एंड हो जाती है। वेब सीरीज़ का नाम है गाइस दामाद जी पलंग तोड़, इसका मतलब सीरीज है। तो आप इसे जाके गाइस देख सकते हैं उल्लू ऐप पे। तो उल्लू ऐप की गाइस से वेब सीरीज है। तो पलंग तोड़ गाइस आप पहले भी, आपने बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी देखी होंगी, मतलब इनके सीक्वेंस जो बनाते हैं, इस पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देते हैं। राशि वर्मा इसमें स्पेशल बात है एंड बहुत ही तगड़ी स्टोरी है गाइस, इतनी अच्छी स्टोरी है, स्टोरी के साथ साथ सीन्स भी अच्छे हैं। एंड जब सीन्स के साथ स्टोरी हो तो देखने का गाइस मज़ा ही अलग होता है। तो उल्लू ऐप पे ये आज रिलीज़ हो चुकी है, आज फाइनली इसका एंड हो चुका है। तो आप इसे गाइस जाके देख सकते हैं उल्लू ऐप पे। वेब सीरीज़ का नाम है दामाद पलंग तोड़। तो चाहिए और देखिए।